अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। चैप्टर थ्योरी हमारी एंड हो गई थी पहले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10 की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का, क्योंकि 9 चैप्टर हमने 9th क्लास में पहले पढ़ लिए थे। अब चैप्टर नंबर 10 से हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है, 10th क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स है हमारे पास। तो उसके आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पहला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन डाटा लिखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम इज 2 सेकेंड। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसका, थ्योरी में हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड को कैपिटल टी के साथ, और अगर टाइम दिया हुआ हो तो उसको हम स्मॉल टी के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल पेंडोलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मीन सिंपल पेंडोलम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर वो एक वाइब्रेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडोलम इज 2 सेकेंड। कैलकुलेट हमने क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ कितनी होगी। लेंथ ऑन अर्थ, एल के साथ मैंने स्मॉल ई लिख दी है कि ये हमने कैलकुलेट करना है। वॉट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून भी कैलकुलेट करना है हमने। अगर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो वो कहता है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है हमारे पास, वो होगी अर्थ का 1/6 पार्ट। ठीक है, मीन अर्थ के ऊपर है 10, तो डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसका मतलब है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून भी दिया हुआ है हमें, और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल फार्मूला जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एज वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वेयर रूट। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम का टाइम पीरियड है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वेयर लेंगे। क्यों स्क्वेयर लेंगे, क्योंकि हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है जो कि स्क्वेयर रूट के अंदर आ रही है। तो पहले हम ये स्क्वेयर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वेयर लेंगे। स्क्वेयर लेने से हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो जी इक्वल की एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 पाई स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी ओवर 4 पाई स्क्वेयर। अब अगर लेंथ ऑन अर्थ कैलकुलेट करना है तो ई लगाएंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी, अर्थ वाली पुट करेंगे। तो टी 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10, 4 पाई स्क्वेयर 3.14 स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वेयर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को डिवाइड करें, लेंथ ऑन अर्थ होगा 1.02 मीटर। तो सिंपल पेंडोलम का अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 1.02 मीटर। अब लेंथ ऑन मून कैलकुलेट करना है हमने, तो यही फार्मूला होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। लेंथ ऑन मून के लिए एल के साथ एम लगा देंगे, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे पास, एम होगा, मून वाला होगा, जी के साथ एम लगा देंगे। तो ये हमारे पास है टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी एम ओवर 4 पाई स्क्वेयर। टी वही टाइम पीरियड 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जी। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन दी सरफेस ऑफ मून वाला यूटिलाइज करेंगे हम, 1.62 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर, 3.14 का स्क्वेयर। इनको आपस में स्क्वेयर करके मल्टीप्लाई करें, और इसका स्क्वेयर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर है डिवाइड करें, 0.17 मीटर होगा मून के लिए, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एज कंपेयर टू अर्थ कम है, इसलिए उसके ऊपर हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट होगी। 0.17 मीटर लेंथ का अगर टाइम वो सिंपल पेंडोलम होगा तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून के लिए। सिमिलर वे में हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल है, उसका गिवन डाटा देखते हैं। अ पेंडोलम ऑफ लेंथ 0.55 मीटर लेंथ इज टेकन टू मून बाई एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट लेके जाता है 0.99 मीटर लेंथ का सिंपल पेंडोलम, जिसका टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड। अब कहता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून कैलकुलेट करें, तो सिंपल वही फार्मूला लगेगा अगेन, टी इक्वल टू पाई एल ओवर जी स्क्वेयर रूट। तो दोनों तरफ से स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू
टू का स्केयर फोर स्केयर, फोर पाई का स्केयर और स्केयर रूट स्केयर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो एल ओवर जी। हमने क्या कैलकुलेट करना है, जी। तो ये जी को अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल की एक साइड पर ले जाएंगे, टाइम पीरियड का जो स्केयर है उसको हम नीचे लेके आएंगे। फार्मूला हमारा बन गया, फोर पाई स्केयर, पाई की वैल्यू हमारे पास 22 ओवर 7 होती है, और अगर डिवाइड करेंगे तो 3.14 स्केयर मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो हमारे पास है 0.99 मीटर। तो इसका स्केयर लेके इन ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और 4.9 जो का टाइम पीरियड है उसका, उसका स्केयर लेके इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, हमारे पास 1.62 या 63 यही है हमारे पास। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट में एक या दो नंबर का वो कैलकुलेशन में हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। तो 1.62 आ जाए या 1.63 आ जाए तो बात एक ही है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम। टाइम पीरियड सिंपल पेंडोलम का हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसकी लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून भी वो कहता है कि 1 मीटर है और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी हमारे पास 1 मीटर है। इसका मतलब है वो लेंथ जो सिंपल पेंडोलम लेके जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और मून दोनों की क्या है हमारे पास, सेम है, 1 मीटर प्लेस ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन मून। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी की वैल्यू जो मून के ऊपर है वो अर्थ का 6 पार्ट है, 1/6 पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 10/6 वही 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ का तो हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो टी इज इक्वल टू पाई, अगेन वही फार्मूला, सिंपल पेंडोलम हमारा एल ओवर जी अंडर रूट। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट करना है और ऑन द सरफेस ऑफ मून भी कैलकुलेट करना है। चलें ये टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून भी कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर अर्थ के लिए करेंगे तो जी की वैल्यू और एल की वैल्यू अर्थ वाली कैलकुलेट करेंगे, अर्थ वाली पुट आउट करेंगे। लेंथ ऑन अर्थ कितना है, 1 मीटर, और जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, 10। 1/10 स्क्वायर रूट लेके जो आंसर है 3.14 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 2 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है अर्थ के ऊपर अगर वो टाइम भी वो हमारे पास सिंपल पेंडोलम हो 1 मीटर का तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड। अब मून के लिए टाइम पीरियड ऑन मून, तो लेंथ भी मून वाली यूटिलाइज करेंगे और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून वाली कैलकुलेट करेंगे हम। इसमें वैल्यू पुट करें, लेंथ ऑन मून कितनी है, 1 मीटर है, जी एम कितना है हमारे पास, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून 1.62, तो डिवाइड करें जो आंसर है इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4.9 सेकेंड है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। इसका टाइम पीरियड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू जी की वैल्यू क्या है, कम है। तो ये हमारे पास है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ये हमारे पास है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 4, सिंपल पेंडोलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। टाइम पीरियड सिंपल पेंडोलम का बता दिया उसने कितना, कि सिंपल पेंडोलम का टाइम पीरियड है हमारे पास 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडोलम है जो कि 2 सेकेंड के अंदर अपनी 1 वाइब्रेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना उसको टाइम रिक्वायर होता है वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। सिंपल पेंडोलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कैलकुलेट करें, अगर वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन वही फार्मूला रिपीट हो रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब है इस वाले न्यूमेरिकल का ये क्या है हमारे पास, अपोजिट है ये। इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, लेंथ दी हुई थी, इसमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसका उल्टा है। जो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने किया है इसका उल्टा है ये वाला। फार्मूला लिखने के बाद दोनों तरफ से स्केयर रूट, क्योंकि अगर तो जी कैलकुलेट करना हो या एल कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्केयर रूट लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा सॉरी। तो ये स्केयर लेने से ये स्केयर, स्केयर रूट की वैल्यू
वन ओवर टू है, और अगर स्केयर लेंगे तो वो टू 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 पे डिवाइड हो जाएगा, वन आएगा। तो ये फार्मूला बन गया। अब एल कैलकुलेट करना है, जी मल्टीप्लाई करते हैं उस साइड पे, फोर पाई स्केयर नीचे डिवाइड करते हैं। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करें, टी स्केयर टू स्केयर, जी की वैल्यू 10 है, 4 और पाई 3.14 का स्केयर। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और इन वैल्यूज़ का स्केयर लेके इस पर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को डिवाइड करें, 1.02 मीटर। इसमें 1 मीटर था हमारे पास, 1.02 मीटर, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो ये हमारे पास लेंथ उसकी कितनी होगी, 1.02 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5, हाफ, फर्स्ट हाफ न्यूमेरिकल हम इस लेक्चर में करेंगे। तो उसमें है कि नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है हमें 100। क्या कहता है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 100। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है हमारे पास 100, और 100 वेव्स में कितना, 20 सेकेंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। अगर उसकी वेव लेंथ उसने बताई हुई है 6 सेंटीमीटर हो, तो स्पीड भी कैलकुलेट करें। सिंपल सा फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली नंबर ऑफ वेव्स ओवर, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, 100 डिवाइड बाय 20, डिवाइड करें 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर टी, टी एक साइड पे ले जाएं, फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाएं, दोनों को डिवाइड करें 1 ओवर 5, 0.2 सेकंड आ जाएगा। और स्पीड के लिए तो हमारे पास सिंपल रिलेशन है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करें, आंसर लिखें 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट हाफ न्यूमेरिकल हमने इस लेक्चर में किए हैं, तो नेक्स्ट 5 जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।